हेलो फ्रेंड्स, एग्री कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडेट ऑफिसर्स। तो इस पोस्ट में एग्रीकल्चर जो फ्रेशर्स है, ये आप ग्रेजुएटसी पकड़ लो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएटसी पकड़ लो, तो वो कितना इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या कर पाएंगी भी कि नहीं, तो वो ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें पहले ही बॉक्स में दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर ब्रैकेट में दिया गया है कौन कौन से चाहिए: ब्रीफ रिज्यूम, ID प्रूफ, एज प्रूफ, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से पोस्ट है। तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट और पोजीशंस और ग्रेड और वैकेंसी और एज और सिलेक्शन प्रोसेस, तो डायरेक्टली हम चले आते हैं ऑप्शन नंबर 10th पे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो वो आपका रेगुलर जॉब नहीं होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स होगा। ठीक है, तो उसमें देखिए जनरल का 10 पोस्ट है, OBC का है 5, SC का 3, ST का 1, EWS 2, टोटल 21। ठीक है, फिर PWD का है 1 और मैक्सिमम 30। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। फिर आप आ जाइए ऑप्शन नंबर 14 पे, वो है डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, रेगुलर पोस्ट है। फिर ग्रेड है आपका MMGS, MMGS का मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, कितना है 2 है। ठीक है, फिर जनरल का पोस्ट है 4, फिर OBC का 1, SC ST EWS का नहीं है, टोटल है 5। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट। अभी आप देख लीजिए के डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स एंड लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो फिर से आ जाते हैं 10 नंबर पे, ये देखिए एग्जीक्यूटिव। अभी देखिए मैंडेटरी क्या है: ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ और हॉर्टिकल्चर एज 4 ईयर्स फुल टाइम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। प्रेफर्ड क्या है? प्रेफर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ सेम स्पेशलाइजेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर मैंडेटरी और एक चीज़ दिया गया है: दी कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड नॉलेज ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड बैंकिंग नीड्स एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है आपका: विद इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा, हैविंग अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ तक भी हम मान सकते हैं। फिर आपका जो है डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, इसमें मैंडेटरी क्या दिया है: ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन रूरल मैनेजमेंट और ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट एज फुल टाइम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर के होते हैं, रूरल मैनेजमेंट के बहुत कम ही बच्चे होते हैं, होते भी तो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी किसी किसी में है और कहीं कहीं में आपका जो है जो एक्सटेंशन में रूरल आ जाता है, मेनली एक्सटेंशन में आ जाता है, लेकिन इंडिया के कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में रूरल टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, रूरल इकोनॉमिक्स भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर मैंडेटरी क्या है वो तो ठीक है: नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस विल बी एन एडेड एडवांटेज। फिर मुंबई और एनी SBI LHO सेंटर। ठीक है, अभी देख लीजिए आपका जो जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो है डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रायर एक्सपीरियंस। 10 नंबर पर आ जाइए एग्जीक्यूटिव, इसमें देख लीजिए कि मैंडेटरी है मिनिमम 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एज ऑन 31st July 2019 विथ एनी कॉरपोरेट प्रेफरेबली विथ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो
तो यही प्रॉब्लम है कि जो बच्चा 2018 में या 2017 में या 2019 में ही इसी साल जो ग्रेजुएशन का डिग्री लेके निकलेंगे या निकल चुके, इस साल का तो निकल चुके, तो उनके पास वो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये आफ्टर ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस मान रहा है मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है, तो वो नहीं है, तो इसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो और है 14 नंबर पर भी डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, वो तो एक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का है ही, लेकिन इसमें भी है मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रूरल बैंकिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFC एज ऑन 31 जुलाई 2019, ठीक है, तो दोनों में ही एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए शायद एग्रीकल्चर फ्रेशर्स नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है, और जो लोग जिनका एक्सपीरियंस है वो तो दे ही पाएंगे, उनके लिए सुनहरा मौका है ये, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, उनके लिए एक बहुत ही दमदार अपॉर्चुनिटी है नौकरी ग्रैब करने के लिए, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो और इनका देख लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना होता है, जैसे जो 14 नंबर पे था डिप्टी मैनेजर वो तो रेगुलर बेसिस पे है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का है, लेकिन रिन्यूअल हो सकता है 2 साल के लिए, मतलब अगर रिन्यूअल हो भी जाए तो 5 इयर्स के लिए नौकरी, ठीक है। और उसके बाद तो आपका क्या है, उसके बाद तो जैसे जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल दिया गया है इसमें एग्जीक्यूटिव का भी, और फिर जॉब प्रोफाइल दिया गया है आपका, फिर जो इसका भी जॉब प्रोफाइल दिया गया है, डिप्टी मैनेजर का जॉब प्रोफाइल क्या है, और फिर रिम्यूनरेशन दिया गया है, ठीक है, जो 6 लाख तक हो सकता है, और डिप्टी उसका तो डायरेक्ट सैलरी होगा, ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये सभी दिया गया है। तो ये था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडेट ऑफिसर है, तो कौन आप लोग दे पाएंगे कि नहीं, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो थैंक यू देखने के लिए।